प्रणाम। मैं शिवम आप सभी योग साधकों का आज के इस नई योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस योग कक्षा में हम जानेंगे बंधों के बारे में। आज हम जानेंगे प्रमुखता जालंधर बंध के अभ्यास के बारे में। इस जालंधर बंध के अभ्यास के लिए मैंने इस कक्षा को दो भागों में बांटा है, जिसमें से पहला भाग में हम जालंधर बंध के बारे में जानेंगे कि इस जालंधर बंध का अभ्यास तो क्यों जालंधर बंध कहा गया, क्या इसका मतलब है। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि जालंधर बंध का अभ्यास अपने अभ्यास में कैसे किया जाए, क्योंकि योग के अभ्यास में हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ज्ञान और अभ्यास दोनों ही पूर्णतः एक अभ्यासी को होना चाहिए। तो पहला भाग जो है वो ज्ञान के लिए है, दूसरा भाग जो है वो अभ्यास के लिए है। तो एक अभ्यासी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ज्ञान और अभ्यास दोनों को ही जान ले। तो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि जालंधर बंध शब्द का अर्थ क्या है, क्यों इसको जालंधर बंध कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने अभ्यास को और प्रशस्त करेंगे इस कक्षा से। जालंधर बंध को समझने के लिए आपको बंधों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो बंध शब्द है उसका अर्थ होता है किसी चीज को बांधना या किसी चीज को रोकना। हम प्राणायाम के अभ्यास में, हम बंधों के अभ्यास में हम किसी चीज को बांधते हैं, वो प्राणों को बांधने या प्राणों को शरीर में रोकने का जो अभ्यास होता है वो बंधों के द्वारा किया जाता है। अब ये जान लो कि इन बंधों का अभ्यास क्यों जरूरी है। जब भी कोई अभ्यासी प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उस समय वो शरीर में प्राण की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो उस अभ्यासी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस प्राणों को शरीर में रोकना भी उतना ही जरूरी है जितना प्राण को बढ़ाना होता है, वरना तो प्राण बाहर बह जाएगा, प्राण शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो बंधों के इस्तेमाल से हम प्राणों को शरीर में ही रोकते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो यही है बंधों का एक अभ्यासी के लिए कि प्राणों की ऊर्जा को रोकने का जो अभ्यास होता है वो बंधों से होता है। दूसरा इसका मेन प्रमुख कारण है, प्राणायाम का जो मेन प्रमुख लाभ है वो है प्राण और अपान को मिलाना मणिपुर चक्र में। तो इस कार्य को भी बंधों से किया जाता है। जालंधर बंध और उड्यान बंध, मूल बंध से, महाबंध से हम प्राण और अपान को एक जगह पे मिलाते हैं, जो कि नाभि प्रदेश है, ये भी बंधों के इस्तेमाल से किया जाता है। तो ये दो प्रमुख लाभ है बंधों का इस्तेमाल करने से। देखिए दोस्तों, ये थी बंधों के बारे में एक छोटी सी चर्चा। अब हम जानेंगे जालंधर बंध शब्द का अर्थ क्या है। अभ्यासी लोग इसको दोनों शब्दों से जानिए। बहुत सारे अभ्यासी के बीच बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये जल तत्व है कि जाल तत्व है। देखिए जालंधर बंध जो है वो दोनों ही शब्दों से जाना जाता है। आप इसको जल तत्व से भी जाने, आप इसको जाल शब्द से भी जाने। सबसे पहले जानते हैं कि जल तत्व से इसको कैसे जाने। देखिए जो जालंधर बंध है, योगी जनों ने अपने अभ्यास में ऐसा पाया है कि जो हमारा आज्ञा चक्र है और जो हमारा ये मणिपुर चक्र है, आज्ञा चक्र जो होता है वो चंद्रमा का प्रदेश होता है और जो मणिपुर चक्र है वो सूर्य का प्रदेश होता है। तो योगी जन ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे जल तत्व है वो जल तत्व पानी नहीं है, वो अमृत तत्व की बात कर रहे हैं। तो निरंतर अमृत यहाँ पे आज्ञा चक्र से, विशुद्धि चक्र से होते हुए मणिपुर चक्र यानी कि सूर्य प्रदेश में जाके जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है। जितना वो जलता रहेगा उतना आदमी बूढ़ा होता रहेगा, बूढ़ा होता रहेगा, बूढ़ा होता रहेगा और उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। आपने सुना भी होगा शास्त्रों में कि योगीजन अपने मृत्यु के ऊपर विजय पा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मरते हैं, ऐसा नहीं कि वो मरते नहीं है, हर कोई मरता है, परंतु उस मरने की प्रक्रिया को, उस बुढ़ापे की प्रक्रिया को वो रोक देते हैं, वो स्लो कर देते हैं। तो वो जालंधर बंध के ही अभ्यास से वो होता है। देखिए योगीजन ऐसा कहते हैं कि जितना वो अमृत वो जलता रहेगा उतना आदमी बूढ़ा होता रहेगा, उतना आदमी बुढ़ापे का शिकार होता रहेगा। परंतु अगर आप जालंधर बंध के अभ्यास से उस अमृत तत्व को रोकने का काम करते हो तो जो बुढ़ापे की जो प्रोसेस है, जो बुढ़ापे की जो प्रक्रिया है वो आप धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, परंतु उस प्रक्रिया को वो कम कर देता है, उसको वो स्लो डाउन कर देता है। ये है जालंधर बंध का जल तत्व के बारे में समझना कि जल तत्व यहाँ पे अमृत के बारे में बताया गया है और जालंधर बंध से आप उस अमृत तत्व को यहाँ सूर्य प्रदेश में जलने से रोक देते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि जालंधर बंध मतलब उस जल को रोकना। कहाँ पे रोकना? विशुद्धि चक्र में रोकना।
इसीलिए इसका नाम जालंधर बंद बताया गया। अब इसको जानेंगे दूसरे शब्द से, जाल शब्द से भी इसके बारे में जाना जाता है। जाल यहाँ पे यानी कि नाड़ियों का जाल। देखिए, इस शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं वो हमारे सर तक कैसे जाती हैं, हमारे गर्दन से होकर जाती हैं। तो ये गर्दन एक मतलब एक सबसे कॉमन रास्ता हो गया शरीर के नीचे भाग को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करना। जितनी भी नाड़ियां होती हैं वो हमारे शरीर से होते हुए, हमारे गर्दन से होते हुए हमारे सर तक ही कनेक्ट होती है। तो उस जाल को रोकना, उस जाल को बंद कर देना, तो वो जालंधर बंद के अभ्यास, इसीलिए इसको जाल तत्व से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जाल यहाँ पे नाड़ियों को कहा गया है। यहाँ पे इतनी सारी सारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं, जितनी भी नाड़ियां वो यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ नीचे से होते हुए वो शरीर हमारे सर तक मिलती हैं इस गर्दन से। तो आप जालंधर बंद का जब अभ्यास करते हो तो आप इन सारी नाड़ियों को बंद करते हो, इस सारी नाड़ियों के ऊपर आप प्रभाव डालते हो। तो इसीलिए इसको जाल शब्द से भी जाना जाता है। अगर मैं फिर से इसको समराइज करूं तो पहला इसका जो जानने का तरीका है वो है जल तत्व। जल यानी यहाँ पे अमृत है। तो आप उस अमृत को कंठ को लगा के रोक देते हो। दूसरा इसका अर्थ जानने योग्य है जाल। जाल यहाँ पे नाड़ियों का जाल, शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं वो हमारे सर से इस गर्दन से होते हुए मिलती है। तो आप बंदों के इस्तेमाल से उसको रोक देते हो, तो इसीलिए इसको जाल शब्द से भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आज की इस कक्षा में आपने जालंधर बंद को सही तरीके से जाना हो, यही योगी जनों ने इसके बारे में बताया है। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि जालंधर बंद का अभ्यास कैसे किया जाए, क्या क्या इसके लाभ है शारीरिक तौर पर भी। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। प्रणाम।